सारे सामान पैक हो गया ना? अरे हाँ, सारा सामान रखवा दिया, पूरा अच्छे से। देख सारा कुछ नीचे दबा के रखना, आगे चेकिंग चल रही होगी। अरे एकदम अच्छे तरह दबा के रखा है, कोई टेंशन नहीं है, आज तो माला माल होना है बस। बस उससे पैसे ले लो, चल। एक मिनट, कहाँ जा रहे तुम दोनों? हम तो क्या हुआ मैम, हम घर जा रहे। हाँ, कमाल लोड हो गया है, ये देखो कूड़ा कबाड़ा है, सारा कुछ लोड करके हम जा रहे हैं। कूड़ा कबाड़ा है? हाँ, किसी पे बना रहे? अरे मैम अंदर इवेंट हुआ था तो उसी का सामान है। हाँ, वो तो मुझे भी पता है कि अंदर इवेंट हुआ था और इवेंट चल अरे रहा है। खाली पंखे वगैरह और वो कालीन वगैरह ही है। मैम आप देख लीजिए, चेक कर लीजिए। चेक करो? हाँ मैम, चेक तो थाने में ही होगा। यहीं से चेक कर लो ना। यहाँ से नहीं, ये गाड़ी सील में करती हूँ और थाने लेके जाऊंगी। मैम अरे मैम, क्यों गाड़ी सील क्यों करना है? इसमें कोई बड़ी बात थोड़ी ना होगी, सिर्फ टेंट का ही सामान तो है हमारा इवेंट का। टेंट का सामान नहीं है इसमें, तुम लोग ड्रग सप्लाई करते हो। अरे मैम ये आपको किसने बोल दिया? मैंने पंखा और कूड़ा कबाड़ा दिखा रखा है। मैम आपको कुछ गलत फहमी हुई है, आपको किसी ने गलत इन्फॉर्मेशन दी है। पुलिस वाले को ना कभी गलत फहमी नहीं होती है। मैम आपको सच में गलत फहमी हुई है, इसमें कुछ भी नहीं। गलत फहमी? तुम्हें पता भी है मैं कौन हूँ? मैम आप ऐसे कैसे कह सकते हैं? आप सीबीआई डिपार्टमेंट से हूँ मैं। अरे मैम आप सीबीआई से हो चाहे इंस्पेक्टर हो, बट हमारा इवेंट का सामान है। तू गाड़ी लेके जा, मैं मैम से बात करती हूँ। कोई कहीं नहीं जाएगा। अरे पर मैम हमें अगले इवेंट पे सामान लगाना है। गाड़ी अब पीसीआर वाले आएंगे और थाने लेके जाएंगे। पर मैम आप समझ नहीं रही, हमें अगले इवेंट पे हम वहाँ से एडवांस ले चुके हैं, हमें अगले इवेंट पे लगाना है सामान। तुम लोग कोई इवेंट वाले नहीं हो, ये बात मुझे भली भांति पता है। ठीक है मैम, हम इवेंट वाले ही हैं। चकमा दे सकते हो, पुलिस को घूस दे सकते हो। मैम आप मेरी बात सुनिए, आप चुप। मैम आप ये कैसे कर रहे हो, हाथ कैसे उठा रहे हो? रुक जा मैं बात कर रही हूं। मैम कुछ ले देते। हिम्मत कैसे हुई तुम्हारी? तुम लोग की केस सीबीआई के पास आ चुका है, कानून को अब तक तो खरीदते ही आ रहे हो। सारे पुलिस वाले को घूस दे दिया, और जिन लोगों को तुम लोगों ने घूस दिया था ना, उन लोगों को भी मैं सस्पेंड करवा चुकी हूँ। तो मैम सबकी कोई ना कोई कीमत होती है। मैम आप अपना मुंह खोलो। हम मुंह खोलो, हर इंसान भी काऊ नहीं होता। और ये सीबीआई जो मैं बनी हूँ, आपकी कुछ तो कीमत हो। कीमत? रात दिन मैंने पढ़ाई इसलिए नहीं किया था कि मैं अपने आप को बेच सकूं, कि मेरी क्या कीमत है। मतलब तुम लोग सरकार को समझ क्या रखे हो? जितने भी पुलिस वाले थे, छोटे मोटे पोस्ट वाले थे, सबको तुम लोगों ने खरीद लिया लाख दो लाख में। वो लोग तो हवालात के अंदर बंद कर दिया मैंने। तुम लोग क्या लगता है कि सारे पुलिस स्टाफ जितने भी है बिकाऊ है? हर कोई बिकाऊ नहीं होता। बट सॉरी मैम, गलती हो गई। वो गलती हो गई, बट मैम इसमें कुछ भी नहीं है। अब सच में ठीक है, अगर नहीं है तो तुम दोनों जा सकते हो यहाँ से। पीसीआर आएगा, इसको लेके जाएगा। मैम हमें अगले इवेंट में सामान लगाना है। इवेंट में अब कुछ नहीं जाएगा यहाँ से। मैम हमारा कितना नुकसान हो जाएगा मैम? बट मैम जो हमारा नुकसान होगा उसकी भरपाई कौन करे? जो तुम लूट रहे हो ड्रग्स और अफीम की जो सप्लाई कर रहे हो। मैम हम कितने बोले, हम कोई ड्रग्स की सप्लाई नहीं कर रहे हैं। अच्छा मैम आप देखिए, हम तो शरीफ घर के। शरीफ घर के? हाँ बहुत ज्यादा शरीफ घर के, इतने ज्यादा शरीफ घर के हो ना कि इतनी मजबूरी आ गई जिंदगी में। सकल सकल से दुष्ट दिख रहे हो, इतनी बदतमीजी कर रहे हो सीबीआई ऑफिसर के साथ। मैम आप अपने सीबीआई होने का गलत फायदा उठा रहे हो, चाटे पे चाटा मारते जा रहे हो, गलत है। तो ही मारू क्या? तो ही मारू? हाँ ज्यादा मुंह खुल रहा है, ज्यादा सहना मारना है तू। जब हम बोल रहे हैं कि हम कुछ गलत काम नहीं कर रहे हैं तो आप मान ही नहीं रहे हो। तुम लोग के खिलाफ ना सबूत है मेरे पास, और सीबीआई ना बिना विटनेस की बात नहीं करती। मैंने तुम दोनों को बताया ना, जो मिस्टर रामलाल और श्यामू जो था, दोनों जेल के अंदर है। बट मैं उनसे हमारा कोई, तुम दोनों की बारी। कनेक्शन? कनेक्शन नहीं है तो ऐसे वो सलाखों के पीछे नहीं भुगत रहा है, वो भी ऐसे ही बोल रहा था। अरे यहाँ से जाओ, और गाड़ी लेके जाने की जरूरत नहीं है, ये पुलिस लेके जाएगा। जा रहे हो?